नमस्कार दोस्तों, रोशन जी आए हैं हमारे पास बिहार पटना से, यस और हम इन्हीं से जानेंगे कि इनके क्या हुआ था और हमने इनकी क्या ट्रीटमेंट की हुई है। बताइए रोशन सर। हाँ सर, मैं पटना बिहार से हूँ सर। जी। मेरे को एसियल हुआ था सर जून में, उसके बाद मेरे को इन्फेक्शन हो गया था सर। कौन से जून, मतलब ये ये है 2022 का जून सर। 2022, बट आई थिंक आपका पहले भी एसियल हाँ, हुआ इससे रहा था। पहले भी इन्फेक्शन हो गया था। 15 में सर एसियल हुआ था सर, हाँ उसके बाद 2 साल बाद मेरे को 18 में इन्फेक्शन हो गया सर। अच्छा, तो मतलब 15 में एक बार एसियल हुआ, 2018 में आपका इन्फेक्शन हुआ, पस आ रहा था उसमें पस से उस दौरान 2 साल 3 साल के बीच पस नहीं आ नहीं रहा था आया, सर। बट बाद में आया। हाँ, बाद में आया फिर क्या सर। किया डॉक्टरों ने, हटा फिर डॉक्टरों ने मेरे ग्राफ्ट और वो जितना वो पस वो सब आ रहा था वो सब, दिया। हाँ उसके सब। बाद उसके बाद मैंने छोड़ दिया पैर को, कितने तीन दिन चार साल तक छोड़ दिया कुछ नहीं सर, किया, नहीं फिर किया। 2022 में मैं सर फिर से रिवीजन सर्जरी का प्लान किया सर। कुछ करना हाँ, कुछ पड़ेगा करा आपने, तो लेता हूँ वापस सर। से इसका रिवीजन सर्जरी हाँ, कराया था। मैं रिवीजन सर्जरी जून में रिवीजन कराया था। सर्जरी किस कौन से टेक्निक से हुआ था, कैसे किया था वो आपने? रिवीजन सर्जरी बीटीबी ग्राफ्ट यूज हुआ था सर, बीटीपी जिसमें ग्राफ्ट दोनों हुआ साइड सूचर डिस्क यूज हुआ था था, सर। डिस्क लगा था और फाइबर हाँ टेप भी लगाया हाँ था, अंदर में शायद फाइबर टेप सूचर फाइबर डिस्क, टेप और जो फाइबर वायर है वो लगाया था ताकि उसको प्रॉपरली स्ट्रॉंग फिक्स कर वो रखे। इंटरनल फाइबर ब्रेस नहीं हुआ हाँ था नहीं, बट सर। वो मटेरियल हाँ तो फाइबर टेप वाला और जो फाइबर हाँ वायर आता है वो हाँ स्ट्रांग होता है, यस उसको सर, लगाया यस सर। था। ठीक है, फिर फिर उसके बाद सर 2 महीने बाद इन्फेक्शन हो गया सर। फिर से इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन में फिर से सर वही केस सफाई हुआ सर वाटर से, और वो यहाँ बाहर से अच्छा, उसके बाद मैंने 7-8 महीने तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन वो वुंड जो घाव था सर वो भर नहीं रहा था, उसमें से पानी आ रहा था या पानी पल्सर आ नहीं आ रहा रहा था सर, वो छोट हल्का हल्का ब्लड आ रहा था सर। वो मैं था? ड्रेसिंग अच्छा, लगातार लेता रहा और ठीक ठाक चलता मतलब था। इसको हम बोलते हैं लो ग्रेड इन्फेक्शन। अच्छा सर, तो जब भी अगर आपका कोई इन्फेक्शन होता है और इनिशियली पस नहीं आ रहा है और पानी बह रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपकी बॉडी में एक लो ग्रेड इन्फेक्शन चल ही रहा है। यस सर, बिकॉज वुंड भरना ही चाहिए, यस सर, कोई भी वुंड से कंटिन्यू पानी आना नहीं चाहिए। अगर वुंड से पानी आ रहा है, इसका मतलब है एक लो ग्रेड इन्फेक्शन, बहुत हाई ग्रेड नहीं बट लो ग्रेड इन्फेक्शन पनप रहा है और वो चल रहा है। पर हम क्या करते हैं कि भाई एंटीबायोटिक ले लो, दवाई ले लो और छोड़ दो उसको, चलते रहो चलते रहो। बट जिस टाइम पे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी, कि आपकी इम्यूनिटी शरीर की क्षमता कम हो गई, तो वो इन्फेक्शन बढ़ गया और इन्फेक्शन फिर बढ़ जाएगा और फिर उसमें से फिर पस का निर्माण और वो हड्डी में फैलना शुरू हो वही जाएगा। हुआ सर। अचानक 5 दिन पहले से वो सब पस वगैरह हल्का हल्का वो वाटर डिस्चार्ज होने लगा सर। तो इस बार तो आप आए थे मेरे पास, आई थिंक अभी तो आप 5 दिन यहाँ पे रुके हो, ड्रेसिंग वापस से रिपीट कराया, बट उससे पहले 5 दिन या 8 दिन पहले आपका हाँ, इन्फेक्शन काफी ज़्यादा आता बढ़ था। गया सर। तो आप आए थे, तब हम मोड़ रहे थे, तो पस का तो फवारा हाँ, निकल और रहा था। वहाँ पे भी घर पे भी इसी तरह हो रहा हाँ, था सर। और पूरे दिन पस निकल रहा था, पूरा पीला हाँ कलर का था, हाँ डार्क एकदम यस थिक कलर का, यस, येलो 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 सर। कलर का था फीवर का, मतलब पस था। तो फिर आपको मतलब बिहार पटना में भी इतने सारे बढ़िया डॉक्टर्स हैं और कहीं पे भी और भी बहुत सारे बढ़िया डॉक्टर्स, तो आपने हमारे जयपुर आने की क्यों सोची? लिगामेंट सर्जन जैसे कि मैं 2 बार करा चुका हूँ और बिहार में फेल हो गया सर्जरी, तो मेरे को बिहार से वो पटना से भरोसा हो गया सर। तो मैंने आपका सर ये यूट्यूब पर वो चैनल देखा था, तो मैंने सर्च सर्च जारी रखा, मैंने यूट्यूब पर आपका चैनल देखा सर, डॉक्टर सचिन नाम से। तो बिल्कुल, मैंने डिसीजन लिया कि मैं जयपुर ही जाऊँगा, देखता हूँ क्या होता है। उसने हाँ, उसने आपने वो इन्फेक्शन वाला वीडियो देखा होगा ना, एक इन्फेक्शन का भी देखा था, एक पीसीएल जिन्होंने कहीं और सर्जरी कराया था इन्फेक्ट उनका कराया इन्फेक्ट। हुए थे, हाँ फिर वो ठीक हो गए, हाँ तो सर, तो मैं फिर आप मेरे पास आए, तो हमने हाँ फिर आपको क्या सलाह दी बताइए। आपने बोला कि वो सब जो रिमूवल होगा सर, जो भी सूचर डिस्क लगा हुआ क्या सर। मैंने आपको बोला कि आपका पूरा ग्राफ्ट वापस ही निकलेगा? नहीं सर, आपने ग्राफ चेक किया, ग्राफ तो सही था सर। लिगामेंट बहुत बढ़िया ऑपरेशन, हाँ बेसिकली इनका जो भी ऑपरेशन हुआ था वो बहुत ही बढ़िया उमदा तरीके से हुआ है। लिगामेंट की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही बढ़िया है, स्ट्रांग है। अब इन्फेक्शन का किसी पे भी जोर नहीं होता, कोई भी सर्जन पे जोर नहीं होता। इनके केस में जो जॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है ना, जो जॉइंट का जो पार्ट है उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं था, क्योंकि घुटने के अंदर सूजन नहीं थी, घुटने के अंदर कोई पेन नहीं था, घुटने में कोई भी गर्माहट नहीं थी। तो ये चीज मुझे बताती है कि इनका जो जॉइंट है वो ठीक है, बट जो नीचे वाला जो टीबियल साइड पे जहाँ पे वो पोस्ट है या बटन है, और वो जो फाइबर वायर लगा हुआ था वो इनके इन्फेक्शन का कारण था, और वो इन्फेक्शन को बंद होने नहीं दे रहा था और बार बार आ रहा था। तो फिर हमने क्या किया बताइए। आपने सर्जरी का प्लान किया सर, वो रिमूवल हुआ सर सूचर डिस्क। तो हमने उसमें से वो सूचर डिस्क और फाइबर टेप निकाल दिया, और मैंने आपको उसका वो फोटो भी दिखाया था यस कि सर, ये देखिए आपका ये सूचर डिस्क आया हुआ है बाहर, यस है ना। सर,
और फिर हमने उसको बहुत अच्छे से सफाई की। वैक, फिर वैक लगाया जो अच्छा, जो आप और वैक सारे के बारे में आप बताइए कि क्या है वैक, वैक, ये बताइए क्या क्या चीजें होती वैक है जो। वैक बेसिकली है कि सर, ये घाव को जो अंदर ब्लड है वो ड्रेनेज सिस्टम का काम करता है सर। वो अंदर से ब्लड को, गंदगी ब्लड वो निकालता है सर। तो और बेसिकली क्या है कि ये जो है ये एक पूरा एक पट्टी है जिसमें से कोई भी हवा अंदर नहीं घुस सकती है ना, सर, इसको हम बोलते हैं वैक्यूम है ना, कि वैक्यूम क्रिएट करना है इसमें से। ये पाइप है, ये पाइप जो है वो इस वाले चेंबर में जाके अटैच होता है, और ये चेंबर जो है ये आपका वैक्यूम प्रेशर का वैक्यूम काम करता प्रेशर है। ये वैक्यूम प्रेशर जो है ये 85 to 95 mm ऑफ Hg है ना, मतलब इतना प्रेशर ये इसको खींच रहा है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ से खून आ रहा है ना। ये खून जो है ये बेसिकली अच्छा है, अभी ये हमने दूसरी बार चेंज किया आज है। यस आपका सर, है ना, तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो है फर्स्ट टाइम भी आपका जब आया था तो खून ही आ रहा था, यस सर, पस थोड़ी आ रहा था, नहीं सर, पस नहीं आ रहा था। आज हमने जब ड्रेसिंग की तब आपने खुद वोन देखा, यस वोन सर, कैसा था, बिल्कुल सही था सर। पीला था, पस आ रहा था, गंदा था, क्या पस था, पस तो नहीं था सर, हाँ रेडनेस अंदर रेडनेस था सर अंदर में। हाँ रेड था, ब्लड आ रहा था प्रॉपर, ऐसा लग रहा था कि हेल्दी है ना, हाँ कि भाई सर, गंदगी नहीं है अंदर, यस सर, सफाई हो चुकी है और अंदर से ब्लड आ रहा है। यस सर, तो उसको फिर हमने इसको और एक बार लगाया है यस ना। सर, क्यों, अब दो चीज है, इन्फेक्शन कभी भी होता है उसका ट्रीटमेंट जो है वो दो स्टेजेस में होगा। एक तो आपका डिब्राइडमेंट जो लोकल पार्ट पे जहाँ पे भी आपका इन्फेक्शन था उसको क्लीन करना, सफाई करना बहुत जरूरी है, वो सबसे मेन पार्ट होता है। और जो भी नया इन्फेक्शन बनेगा उसको ये खींचेगा ताकि उसमें से आपका सारा पस निकलता जाए है ना। दूसरा, इनके खून से एंटीबायोटिक जाएगी है ना, तो जो ब्लड में से एंटीबायोटिक जो भी इनका कल्चर आया था वो सुडोमोनास ऑर्गेनिज्म आया था, वो सूडोमोनास ऑर्गेनिज्म के अतिरिक्त जो भी एंटीबायोटिक है सेंसिटिव, वो सेंसिटिव एंटीबायोटिक हमको खून से 3 हफ्ता देनी पड़ेगी। तो वो और जो पुराना इन्फेक्शन हड्डी में जो पुराना बैठा हुआ है वो उसको दबाएगा या उसको वापस से आने की चांसेस कम रखेगा है ना। खैर ये सब करने के बाद भी वापस आ सकता है बिकॉज इन्फेक्शन का किसी पे भी जोर नहीं है, बट तरीका यही है कि 3 हफ्ते बाद में फिर IV से हम ओरल पे आए, ओरल में जो भी एंटीबायोटिक सेंसिटिव है वो देना पड़ेगा। वो 6 हफ्ता जब हम एंटीबायोटिक देंगे उसके बाद में ये आपका हील हो जाएगा अच्छे से, और फिर आप नॉर्मली सब कुछ करो तो आपका वापस से री इन्फेक्शन के चांसेस कम है। कोई आपको और इसमें शंका है या कोई ट्रीटमेंट के हिसाब से आपको कुछ बताना है, आप कैमरा में देख के बताइए। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अभी सही है सर, लेकिन हाँ आगे देखता हूँ क्या होता है सर। हाँ डेफिनेटली ये स्ट्रेस तो रहेगा ही स्टार्टिंग में, बट जो इनिशियल अपना काम है वो अपना सही हो रहा है, यस और सर, आगे जो राय है या राह है वो भी आपको पता है कि हमने स्पेसिफिकली आपको बता दिया है कि कैसे करना है, कैसे इसका है। आगे आपकी जब पूरा हील हो जाएगा फिर भी हम आपको एक बार वापस से वीडियो बनाएंगे कि अब आपका कैसा है, वो बिल्कुल आ नहीं रहा है कहीं पे भी और मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, यस यही सर, हम दुआ करते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू।